एलपी के जोन चेंज होने की लिंक एक्टिवेट हो गई, और जब से ये लिंक एक्टिवेट हुई है वैसे ही देखिए यूट्यूब पर अलग ही सीन चल रहा है मेरे भाई। आप देखिए कुछ लोग कह रहे हैं आपका बिलासपुर जोन भरना चाहिए, कुछ कह रहे हैं नहीं भरना चाहिए, और बच्चे भी, अच्छा बच्चे भी कम नहीं है, बच्चे भी अलग अलग तरह के कमेंट कर रहे हैं। कोई कह रहा है मेरे जो कोचिंग है 500 बच्चे पढ़ते थे, 500 बच्चे जो है बिलासपुर जोन भर रहे हैं, मैं बिलासपुर जोन नहीं भरूंगा। मतलब ये पूरा का पूरा मेरे दोस्त सिर्फ और सिर्फ माइंड गेम है। एक टीचर कह दे रहा है कि सर बिलासपुर नहीं भरना है, गुवाहाटी भरना है, गुवाहाटी का भर दिया और वो सारे के सारे बच्चे गुवाहाटी की ओर जा रहे हैं, जिससे कि गुवाहाटी का कट ऑफ हाई चला जाएगा। मतलब पिछली बार क्या होता था कि जब 2018 की वैकेंसी आई थी तो उस समय सारे जोन का कट ऑफ 4 या 5 नंबर ऊपर नीचे था भाई, किसी जोन का पिछली बार 70 था तो किसी जोन का 75 था, 65 था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार ऐसा होने वाला है कि एक टीचर अगर ने कह दिया कि भाई गुवाहाटी जोन भर दीजिए और सारे के सारे बच्चे हर गुवाहाटी जोन चले गए, तो पता है क्या है, गुवाहाटी जोन में कम वैकेंसी होने के बावजूद भी उसका कट ऑफ हाई चला जाएगा। वो बिलासपुर ज्यादा वैकेंसी होने के बाद भी कट ऑफ लो जा सकता है या ज्यादा भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि बच्चे कहां जा रहे हैं, होशियार बच्चे कहां जा रहे हैं। मतलब मेरे हिसाब से तो 2024 में कुछ ऐसा होने वाला है कि कोई जोन की कट ऑफ हो सकता है 90 प्लस भी चली जाए अगर सारे बच्चे वहां भर दिए, और हो सकता है कि किसी जोन की कट ऑफ जो है वो 60 के आसपास रहे क्योंकि वहां पर फॉर्म ही नहीं पड़ा था, ऐसा हो सकता है। तो मतलब ये है ना कि इतना सब कुछ चल चुका है, मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, मैंने वीडियो में कमेंट भी देखे बच्चों के, कमेंट को प्रॉपर रीड किया, मैं आपको दिखाऊंगा कि कमेंट किस तरह से किए जा रहे हैं और किस तरह से उन कमेंटों पर रिप्लाई भी आ रहे हैं। बच्चों सबसे पहले तो आप ये 2-4 चीजें देखिए, आप लोग को मैं बता दूं जब भी कभी किसी भी जोन का कट ऑफ आप देते तो कट ऑफ ना कुछ बातों पर डिपेंड करता है। पहली बात होती है नंबर ऑफ फॉर्म, कहां पर नंबर ऑफ फॉर्म ज्यादा पड़े मेरे दोस्त, जहां पर नंबर ऑफ फॉर्म ज्यादा पड़ेंगे ध्यान रखना वहां का कट ऑफ अपेक्षाकृत ज्यादा हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी ज्यादा है। जैसे कि अभी तक सबसे ज्यादा जो फॉर्म पड़े हैं वो बिलासपुर में पड़े, आपको पता है बिलासपुर में 4 लाख प्लस फॉर्म पड़े और उस 4 लाख के एवरेज में वैकेंसी भी ज्यादा है। लेकिन दूसरी जो कंडीशन है जिस पर डिपेंड करेगा आपका कट ऑफ वो है पढ़ने वाले बच्चे कहां है। हो सकता है कि इस 4 लाख में पढ़ने वाले बच्चे ही ना हो, सारे के सारे बच्चे वो बच्चे हो जो 50 या 60 नंबर के आसपास ला रहे हैं, 70 और 80 वाले नंबर अगर सिकंदराबाद में चले गए, समझना बात को। तो यहां पर 4 लाख फॉर्म पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा, कट ऑफ जो है वो सिकंदराबाद का ही हाई जाने वाला है, क्योंकि 70 और 80 नंबर लाने वाले बच्चे सारे के सारे सिकंदराबाद चले गए, है ना। तो दूसरी जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि पढ़ने वाले बच्चे कहां रहे, कट ऑफ 50 या 60 नंबर लाने वाले बच्चे नहीं बढ़ाते, कट ऑफ बढ़ाते हैं जिनके नंबर 70 और 80 के बीच में आ रहे हैं वो नंबर कट ऑफ बढ़ाते। तीसरी जो कंडीशन होती है जो आपके कट ऑफ पर डिपेंड करेगी वो होती है नंबर ऑफ वैकेंसी, जिस जोन में नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा होगी अल्टीमेट वहां का कट ऑफ कम जाने वाला है। मतलब ये सारी बातों का पूरा एक सम्मिलित समूह होता है और सम्मिलित प्रभाव होता है, और मेरे भाई उसी सम्मिलित प्रभाव से हमारा जो कट ऑफ होगा वो वैरी करता है मेरे दोस्त। ये सब लोग जानते हैं, फिर भी आप देखो जब अलग अलग तरह के यूट्यूब पर वीडियो बनते हैं उस पर जो कमेंट आता है तो कमेंट कुछ ऐसा आ रहा है जैसे मैं बिलासपुर भरना चाह रहा हूं, लेकिन मैं हर टीचर के हर वीडियो में कमेंट कर दूंगा बिलासपुर नहीं भरना, मेरी कोचिंग में 1000 स्टूडेंट था, उन्हें बिलासपुर भर दिया, बिलासपुर का कट ऑफ, मैं खुद बिलासपुर भरना चाह रहा हूं लेकिन मैं दूसरों को बिलासपुर भरने से मना कर रहा हूं, आप मेरी बात समझो। या हो सकता है कि वो बात सही भी बोल रहा हो, पॉसिबल है, लेकिन इतना ज्यादा कंफ्यूजन है। मैं दिखाता हूं आपको, कमेंट दिखाता हूं। आप देखिए जैसे कि आप देखो सबसे ज्यादा बिलासपुर पे ही कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है भाई, बिलासपुर के नाम पे गुमराह ना करें, जो बोल रहा है बिलासपुर से भरूंगा और वो ही बिलासपुर नहीं भर रहा, हो सकता है। फिर आगे देखा किसी भी टीचर की बात ना माने सब बिलासपुर चलो, वाह भाई वाह, मैं छत्तीसगढ़ से हूं, बिलासपुर से बहुत लोड ज्यादा कट ऑफ जाएगा क्योंकि छत्तीसगढ़ से बहुत सारे लोड एएलपी की तैयारी करते, ऐसे बहुत सारे कमेंट है। आप देखो यहां पर एक बच्चे ने कमेंट किया, ये कमेंट सबसे सही था, ये देखिए मतलब क्या बोला है कि मेरी कोचिंग में 200 स्टूडेंट है और 200 स्टूडेंट जो है वो बिलासपुर भरने की बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। अब किसको पता है कि ये जो बात बोली जा रही है ये बात सही है कि गलत है, बताइए, आपको पता है ये बात। हो सकता है कि इस बच्चे ने 200 जो बोला हो उसकी कोचिंग में केवल 20 स्टूडेंट हो, पॉसिबल है, और कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कि वो 200 स्टूडेंट बिलासपुर नहीं भर रहे हो, वो 200 स्टूडेंट सिकंदराबाद मुंबई या कोई और बोर्ड भर रहे हो, है ना, लेकिन ये बिलासपुर का नाम ले रहा है।
या हो सकता है अकेले ही बिलासपुर भरना चाह रहा हो, बाकी सब लोग बिलासपुर भरने से रोक रहा हो, बहुत सारी चीजें हो सकती है। और देखिए ये देखिए क्या बोल रहा है, सभी लोग बिलासपुर जोन को डेंजर जोन बता रहे हैं और खुद बिलासपुर भर रहे हैं, माइंड गेम चल रहा है। सही बात है यार, बिल्कुल एकदम सही बात है, माइंड गेम ही चल रहा है पूरे यूट्यूब पर। इसलिए भैया मैं तो ये कहूंगा कि माहौल ऐसा बनाइए कि कट ऑफ 2-4-5 नंबर ऊपर नीचे जाए, माहौल ऐसा नहीं बनाना है कि एक जोन का कट ऑफ 90 चला जाए तो दूसरे जोन का कट ऑफ 60 चला जाए, यह बहुत गलत बात हो जाएगी। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं आप लोगों को पूरा डेटा बताऊंगा, पूरा डेटा बताऊंगा, डेटा के साथ आप देख लीजिए, मैं जनरल एससी एसटी यूआर सारा डेटा बताऊंगा, डेटा के साथ आपको खुद एनालिसिस करना है। मैं अपने प्लेटफॉर्म से कभी भी किसी बच्चे को ये नहीं कहूंगा तुम ये जोन भर दो, मैं आपको केवल डेटा बताऊंगा, क्योंकि मेरे कहने से हो सकता है कि मैंने कह दिया कि चलो भाई सिकंदराबाद भर दो सब लोग, विश्वास मानिए ये मेरी बात गलत हो जाएगी। मेरे कहने से अगर मेरे अच्छे स्टूडेंटों ने सिकंदराबाद भर दिया तो ये मान के चलिए पाठशाला रेलवे तो वैसे ही खराब है, कंटेंट के मामले कंटेंट बहुत अच्छा है, तो वो जो मैंने बोल दिया ना और सारे अगर सिकंदराबाद चले रहे तो 101% सिकंदराबाद का जो कट ऑफ है वही चला जाएगा। और वैसे भी आप बोर्ड यार कुछ भी चुनो, यार बोर्ड आप कुछ भी चुनो, लेकिन बोर्ड चुनने के बाद क्या आपकी मेहनत कम हो जाएगी? आप बिलासपुर जोन चुनोगे तो क्या आप कम मेहनत करोगे? आप गुवाहाटी जोन चुनोगे तो क्या आप ज्यादा मेहनत करोगे? ऐसा नहीं है ना, मेहनत तो आप लोग वैसे ही करनी है ना। और वैसे भी पता है मेरे ग्रुप डी के सिलेक्टेड स्टूडेंट आज भी जॉब करते हैं, बिहार में रहते हैं, जॉब चेक करते हैं आपका वहां पर गुजरात में, और फोन करते हैं कि सर मुझे इस बार जो है एलपी निकालना है। मैंने कहा क्यों भैया आपकी तो जॉब लगी हुई है। कहने लगे नहीं सर बहुत दिक्कत है, यहां खाना पीना रहना है सोना बड़ी दिक्कत है, 800-900 किलोमीटर दूर से जाना फिर वापस आना बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो मेरे भाई सरकारी नौकरी का असली मजा तब है जब आप अपने घर के 200 किलोमीटर के एरिया में सरकारी नौकरी पा जाओ। अगर आप 1000-1500 किलोमीटर दूर सरकारी नौकरी पा रहे हो तो बताइए क्या उस बात का कोई मजा है? वो सजा है, मजा नहीं है, सजा है। इसीलिए मैं आप लोगों को अब मैंने देखो पूरा का पूरा डेटा इसीलिए बनाया, और मैं आपको यह भी बता दूंगा कि कहां पर कितनी वैकेंसी, वो भी कैटेगरी वाइज। अगर आप बच्चों यहां यूआर कैटेगरी की बात करते तो यूआर कैटेगरी की बिलासपुर में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, नो डाउट। टोटल वैकेंसी नहीं बता रहा हूं, सिर्फ यूआर कैटेगरी बता रहा हूं 1861। सिकंदराबाद की 1004 है, मुंबई में 742, इसीलिए इसी के साथ साथ नंबर ऑफ वैकेंसी देख लो। आपको करना क्या है, अगर इनमें से कोई जोन चुने तो प्रोसीजर यही है कि आप 5-6 जोन पहले सुन लो, कि 5-6 जोन सिलेक्ट कर लो कि इनमें से मुझे कौन सा जोन चुनना है। जैसे किसी बच्चे ने कहा कि मैं 3 जोन ऊपर के नहीं चुनूंगा, हो सकता है कट ऑफ ज्यादा चला जाए, तो वो लास्ट के ये बाद के 5 जोन चुन ले, ये 5 जोन चुन लिया, और जैसे ये 5 जोन उन्होंने सिलेक्ट कर लिया फिर अपना माइंड लगाए कि इनमें से वो कौन सा जोन है जो आपके होम डिस्ट्रिक्ट के आसपास आने वाला है, बस वही सिलेक्ट कर ले चुपचाप, बात समझे ना। उसी तरीके से अगर आप रिस्क लेना चाह रहे हो और आपको लगता है कि नहीं ऊपर का कट ऑफ कम जाएगा तो आप ऊपर के 5 जोन चुन लीजिए, और इन 5 जोनों में देख लीजिए कि जो हमारे पास होम डिस्ट्रिक्ट के पास हो बस वही जोन ले लो। आप और भी अच्छा रिस्क लेना चाह रहे हो, आपको लगता है कि सारे के सारे बच्चे ऊपर वाला ही फॉर्म भरेंगे, तो आप नीचे के कोई 5 जोन चुन लीजिए और उनमें से देख लीजिए कि जो जोन आपका होम डिस्ट्रिक्ट के आसपास हो वो सिलेक्ट कर लीजिए। लेकिन मेहनत आपको हर कंडीशन में करनी पड़ेगी, आप चाहे जैसा डिसीजन ले ये आपका डिसीजन होगा। और विश्वास मानिए मैं किसी भी बच्चे को नहीं बता रहा हूं कि तुम जो है अजमेर जोन चुन लो, मैं किसी बच्चे को नहीं बता रहा हूं तुम भोपाल जोन चुन लो, क्योंकि मेरे बताने से हो सकता है कि किसी जोन का कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चला जाए और दूसरे जोन का कट ऑफ लो चला जाए। ओके, तो आप यूआर कैटेगरी के लिए देख लीजिए कि क्या आंकड़ा कहता है, कहां नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है कहां कम है। सेम तरह से एससी कैटेगरी के लिए देख लीजिए बच्चों, एससी कैटेगरी का भी आंकड़ा मैंने आपके सामने दिखा दिया, प्रोसीजर भी मैंने आपको बता दिया। एसटी कैटेगरी के लिए देख लीजिए, एसटी कैटेगरी के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी कहां कहां कितनी है, समझ पा रहा है। सेम तरीके से आप ओबीसी कैटेगरी के लिए देख लीजिए, ओबीसी में संख्या थोड़ी ज्यादा रहेगी, तो बिलासपुर है ना, मैंने तरीका बताया आपको, 5 जोन चुनना है फिर 5 जोन सिलेक्ट करना है कि ये जोन मैं भरूंगा, बस अब देख लीजिए कि आप उनमें से कौन सा जोन आपका होम डिस्ट्रिक्ट के आसपास है। तो ये हमारे पास ओबीसी का पूरा आंकड़ा है, और सेम तरीके से ईडब्ल्यूएस का भी मैंने आपको डेटा दिखा दिया कि अलग अलग जोन में कितनी वैकेंसी हमारे ईडब्ल्यूएस की। फाइनली मैं एक बात आपको फिर बोल दूं, आप कोई भी जोन चुनो, पढ़ाई तो देखो आपको दमदार करनी होगी,
और पढ़ाई अगर आपकी दमदार नहीं है तो विश्वास मानिए आप चाहे कैसा भी जोन चल लो आप बाहर ही हो जाओगे। इसलिए पढ़ाई पे ज्यादा फोकस कीजिए और उसी के लिए माई पर्सनल ऐप, ये एक्स सर्विस मैन का डेटा है ना, आप एक बार देख लो, एक्स सर्विस मैन का भी डेटा देख लो। बच्चों पढ़ाई को दमदार करने के लिए माई पर्सनल ने पहले सीट अमल कस ली, पूरा का पूरा फाउंडेशन बैच यानी सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 आप देख पा रहे, मैथ जीके साइंस रीजनिंग सीबीटी 1 का प्रैक्टिस पेपर, सीबीटी 2 का प्रैक्टिस, बीएससीटी ट्रेड, सीबीटी 1 मॉक, सीबीटी 2 मॉक, ये सारा बैच जो है वो सिर्फ और सिर्फ 500 में। तो आप माई पर्सनल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, माई पर्सनल एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद ये सारे कोर्सेस सिर्फ और सिर्फ 500 में आपको मिल जाएंगे, पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। दूसरी एक अहम बात यह है कि जो आपका सीबीटी 2 का पेपर होगा उसमें 50 क्वेश्चन बीएससीडी जाएंगे, इसीलिए 50 क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करने के लिए बीएससीडी की बुक भी आ चुकी है जो कि 350 में डिलीवरी सहित, ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। आप इस बुक को ऑर्डर करने के लिए ये जो सामने नंबर लिखा हुआ है आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। सेम तरह से केमिस्ट्री, सेम तरह से फिजिक्स, इनकी भी बुकें आए। बच्चों आपको माई पर्सनल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फाउंडेशन बैच फॉर एएलपी सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 आप ये ले सकते हैं। इनमें से कोई भी बैच आप इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, लेकिन जो कि मैंने 500 रुपए में ही इतना सस्ता कर दिया है, मतलब एक कोर्स का फीस जो है 50 रुपए भी नहीं बचा, ठीक है 40 रुपए के आसपास बचा। तो कोई भी दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, किसी तरह की इंक्वायरी करनी है तो आप मेरे भाई इस नंबर पर फोन कर सकते हैं 9696102411 पर। ठीक, जानकारी मैंने आपको प्रॉपर दे दी, जानकारी अच्छी लगी हो, आप क्या सोचते हैं मेरे इस वीडियो के बारे में, आप क्या सोचते हैं मैंने जो सोच आपको बताई उसके बारे में क्या सोचते हैं, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में आप सब लोग जरूर बता देना। क्योंकि मैंने देखा तो मुझे जो अच्छा लगा, जो मुझे सही लगा वो मैंने आप तक पहुंचाया है भाई। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप क्या करते हैं ये आपका डिसीजन है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।